वहीं इस वक्त की दूसरी बड़ी खबर भिलवाड़ा राजस्थान से है, जहां पर कोटड़ी रायला शंभूगढ़ क्षेत्र में फायरिंग की खबर सामने आई है। नाकाबंदी के दौरान बदमाशों ने इस दौरान फायरिंग की है। फायरिंग के दौरान दो पुलिस कांस्टेबल शहीद हो गए हैं। हम आपको बता दें, भिलवाड़ा से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर कोटड़ी रायला शंभूगढ़ क्षेत्र में फायरिंग का मामला सामने आया है। यहां पर नाकाबंदी के दौरान बदमाशों ने फायरिंग की है। फायरिंग के दौरान दो पुलिस कांस्टेबल शहीद हो गए हैं। वहीं इसी खबर पर पवन बावरी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। पवन, क्या पूरा मामला है? फायरिंग की बात यहां पर सामने आ रही है, विस्तार से बताइए। जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जानकारी के अनुसार कोटड़ी थाना पुलिस कस्बे में श्री चार भुजानाथ का मंदिर है, उसके पास पुलिस नाकाबंदी कर रही थी। इसी दौरान दो पिकअप जीप और दो स्कॉर्पियो कार तेज गति से आती है और पुलिस जाब्ते ने दोनों गाड़ियों को रोकने का प्रयास किया, तो कार में सवार बदमाशों ने पुलिस जाब्ते पर फायरिंग कर दी। इसमें पुलिस कांस्टेबल उपकार रायकान के सीने में गोली लगने से वह गंभीर रूप से घायल हो गया। उनको कोटड़ी अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद तत्काल महात्मा गांधी अस्पताल रेफर कर दिया गया, जहां उसके इलाज के दौरान मौत हो गई। वहीं एसपी विकास शर्मा मौके पर पहुंचे और महात्मा गांधी चिकित्सालय पहुंचे। आसपास के थानों का जाब्ता बुलाकर बदमाशों की तलाश शुरू कर दी गई थी। वहीं पुलिस और आसपास के जिलों में भी नाकाबंदी करवा दी गई। और आपको बता दें कि कोटड़ी थाने की सिपाही की गोली मारकर हत्या कर फरार हुए तस्करों ने रायला क्षेत्र में लिरडिया खेड़ा के पास एक बार फिर फायरिंग की थी और फायरिंग से कांस्टेबल पवन घायल हो गए। पवन को इलाज के लिए रायला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी मौत हो गई। पुलिस तस्करों के पीछे लगी हुई है और पुलिस ने भाग रहे वाहनों की धरपकड़ के लिए सभी थानों की पुलिस को अलर्ट कर दिया है। वहीं आपको बता दें कि शंभूगढ़ में भी इस तरह फायरिंग की गई। एक सिपाही की कोटड़ी में और दूसरे रायला की गोली मार कर हत्या करने के बाद जब बदमाश बेखौफ और पुलिस और बेबस नजर आई इनके सामने, और इन बदमाशों ने तीसरी बार शंभूगढ़ थाना सर्किल में फायरिंग की, ऐसी खबर सामने आई। लेकिन आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है और पुलिस स्कॉर्पियो सवार इन बदमाशों के पीछे लगी हुई है और पुलिस ने शहीदों के शवों को अस्पताल के मोर्चे में रखवाया है। जी पवन, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। हम आपको बता दें, भिलवाड़ा से यह खबर सामने आ रही है, जहां पर कोटड़ी रायला शंभूगढ़ क्षेत्र में फायरिंग की बात सामने आई है।